शायद उनको ये नहीं पता है कि भाई बीजेपी ऐसी पार्टी है, इनके पास पता नहीं कौन सा मशीन है, कि वॉशिंग मशीन है, एक तरफ डालिएगा चाहे कितना बलात्कारी हो, क्रिमिनल हो, भ्रष्टाचारी हो, इधर से डालो उधर से साफ होकर के निकल जाता है। पहला डबल डेकर फ्लाईओवर हम लोग लेकर के आ रहे थे छपरा में, जब छपरा आप जाते हैं बिहार में डबल डेकर वैसा फ्लाईओवर नहीं था, इसलिए हम लोग जो है सीआरएफ फंड से भी हम लोगों ने व्यवस्था करवा करके हम सब लोगों ने एक योजना बनाई थी, तो उसमें हम लोग फैसला लेते थे, काम कराते थे, समय पर होता था, पूरे पारदर्शिता से होता था। लेकिन अब तो क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा मोहन, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। अभी इनके सदस्य नहीं है, जिक्र कर रहे थे अलकतरा घोटाले का महोदय, अलकतरा घोटाले का, शायद उनको ये नहीं पता है कि भाई बीजेपी ऐसी पार्टी है, इनके पास पता नहीं कौन सा मशीन है, कि वॉशिंग मशीन है, एक तरफ डालिएगा चाहे कितना बलात्कारी हो, क्रिमिनल हो, भ्रष्टाचारी हो, इधर से डालो उधर से साफ होकर के निकल जाता है। जरा बताइए, वही अलकतरा मंत्री जिसका आप लोग जिक्र कर रहे थे, वो उनके परिजन जो हैं, उनके परिजन कौन से गठबंधन से लड़ रहे थे और कौन से पार्टी से लड़ रहे थे, इसके बारे में क्या बोलना। तो उसके बाद इसलिए महोदय ज्यादा कुछ हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, काम तो कुछ इन लोगों को करना है नहीं, लेकिन भाषण देने में लोग बहुत माहिर लोग हैं, भारी कलाकार लोग हैं महोदय। बैठ जाइए महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम ये भी बताना चाहेंगे, लोग बोलते हमने तो शुरू से ही अपने बजट वाले भाषण में हमने पूरा हिसाब रखा, 8 गुना बजट आपका बढ़ा है, उस समय से अब तक 15 साल में हम लोगों का भी 15 साल में 8 गुना बजट बढ़ा, उसी तेजी के साथ बढ़ा। और हमने ये भी बताया था उस दिन बजट के भाषण में, पता नहीं आप लोग रिसर्च स्टडी करके आते हैं कि नहीं करते हैं, उदारीकरण जब मनमोहन सिंह जी के जब वित्त मंत्री थे उसके बाद से शुरुआत हुई, पहले आज क्या है, अभी हमने जिक्र किया 6 लेन पुल का, आज आपको लोन मिलता है जाइका से, वर्ल्ड बैंक से, ब्रिक्स से, पहले मिलता था क्या? ये लालू जी और यूपीए की देने की, स्टेट भी डायरेक्ट जो है लोन ले सकता है, तब जाकर के रोड और ये बन रहा है।